आज लोग किताब को भूल चुके हैं, सिर्फ और डिजिटल पर चले गए हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, किताब के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। बिना डायलॉग के ये फिल्म आपको इमोशनली इतना टच करती है, मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रैक्टिकली मुझे बहुत पसंद आई ये पिक्चर। तो सोशल मीडिया जैसा कि जानते हैं ब्लॉग पे ऐप पे सारी चीज़ें आ रही हैं। नहीं नहीं, लुप्त कभी नहीं हुआ। वैसे लुप्त मेरी फिल्म का नाम है, मैं उसमें हीरो था। 2 नवंबर को फिल्म रिलीज हुई थी। किताबें कभी लुप्त नहीं होंगी, किताबें हमेशा रहेंगी, उनको प्यार करने वाले हमेशा रहेंगे। हाँ, परसेंटेज थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, पर किताबें हमेशा रहेंगी। मैं खुद किताबों को बहुत पढ़ता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा स्टॉक है, मैं आज भी रोज़ पढ़ता हूँ किताब। तो मतलब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में, तो साहब के बारे में, बहुत ग्रेट एक्टर थे। ब्रिटिश होते हुए भी उन्होंने हिंदी को जिस तरह से अडॉप्ट किया था, और उर्दू जो वो बोलते थे वो शायद हम भी नहीं बोल पाएंगे, इतनी शानदार उर्दू वो बोला करते थे। सर, अभी फिल्म आ रही है प्राइम मिनिस्टर, सेंट रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, एक पीएम को सब्जेक्ट को लेकर फिल्म बनाना, सर किसी और देश में होता तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर बहुत आसानी से फिल्म बन गई, क्या कहना चाहेंगे? बहुत डिफिकल्ट सवाल है ये। किसी भी इतनी बड़ी पर्सनालिटी पे अगर उसमें कुछ ऐसा है, मैंने फिल्म देखी नहीं है, अगर कुछ ऐसा है जिससे उनकी छवि को चोट पहुंचती है तो वो नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि 10 साल वो हमारे पीएम थे और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा भी किया है। अगर कुछ ऐसा है जो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा भाई। अपने आने वाली प्रोजेक्ट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मेरी अभी एक फिल्म रिलीज़ हो रही है रंगीला राजा, 18th को, वो 11th को रिलीज़ होने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ सो मेनी फिल्म्स वो शिफ्ट हो गई, अभी 18th को आ रही है, और इट्स एंटरटेनिंग फिल्म। गोविंदा जी के साथ मैंने काम किया, प्रहलाद जी नीलानी जी उसके प्रोड्यूसर हैं। टाइम मिले तो जाके ज़रूर देखिए, इट्स अ एंटरटेन फिल्म है, आपको अच्छा मज़ा आएगा। हेलो, मिम्मल्ने YoYo TV యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా? ఇంకా లేదా, మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్లి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి। ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి।